हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस, गेट केमिस्ट्री, आईआईटी जेम केमिस्ट्री और अदर केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसाइड किया था कि अब हम केमिकल काइनेटिक्स के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं, और इसका क्या नाम है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और भी कुछ नाम है इसके, जैसे इसको एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी कहते हैं। और जिन्होंने इनका फॉर्मेशन किया है, इस थ्योरी का फॉर्मेशन किया, इस कॉन्सेप्ट को लाया है, उसके नाम से भी इसको जानते हैं, आयरिंग थ्योरी। ठीक है, आयरिंग और पॉलिनी दो साइंटिस्ट थे, आयरिंग एंड पॉलिनी, दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी का फॉर्मेशन किया है, जो कि कोलिजन थ्योरी से थोड़ी सी एडवांस थ्योरी है। और ये कंसीडर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, रेट में या रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स को कंसीडर करके ये थ्योरी का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो चलिए आज इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं हम, और लास्ट में हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन से हमको लास्ट जो इक्वेशन आ रही है उसमें पता चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व होती है रेट ऑफ रिएक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कुछ थ्योरी टाइप की कुछ बातें हैं, दो चार बातें हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर हमारा जो डेरिवेशन है स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कोई भी रिएक्शन होती है तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो हमारा जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कंसीडर करती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको स्टार से हम बताएंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है, एनर्जी की बात कर रहा हूं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं इसको लिख ही देता हूं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अब इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया ऐसे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली हम यहां पर शो कर लेते हैं। देखो, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है हमारे पास, इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन बढ़ती है हमारे पास। तो क्या करते हैं हम, ये रिएक्टेंट है, यहां पर हम रिएक्टेंट कंसीडर करते हैं, और रिएक्टेंट से जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, और फिर वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर हम क्या मानते हैं, ये हमारे लिए वो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करके कोई भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये वो पोजीशन है जहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये थ्योरी कहती है। तीसरी बात, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये इक्विलिब्रियम में होता है, रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में भी होता है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन इक्विलिब्रियम विथ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, और मैंने जैसा बताया कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो हम फोर्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकंपोज टू फॉर्म
प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डीकंपोजिशन के लिए, मीन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली दिस वाइब्रेशनल एनर्जीज। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहां पर मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना, क्योंकि उसका हमको आगे यूज करना है हमारे डेरिवेशन में। देखो, एनर्जी के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है, इसको छोड़ करके थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। एनर्जी का दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है एच न्यू, और ये न्यू ये फ्रीक्वेंसी वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है, प्लैंक कांस्टेंट और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला, क्लासिकल एनर्जी का फॉर्मूला केबीपी होता है। केबी क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टेम्परेचर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम एक करें, मिला दें, ये भी एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम, यदि कर दें हम, तो क्या हो जाएगा? एच न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू केबीटी हो जाएगा। थोड़ा सा ये नीचे यहीं पर कर रहा हूं मैं। और यदि वाइब्रेशनल एनर्जी को हमको सेपरेट करना है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी म्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू के बी टी डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आता है। अभी इसका हमको यूज है आगे चल करके इस डेरिवेशन में, एक मिनट बाद हम इसका यूज करने वाले हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का बता दिया है। अब डेरिवेशन कैसे हम करेंगे, कैसे डिराइव करके लाएंगे वो इक्वेशन, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड होता है, उसको हम देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, नाउ वी कंसीडर अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। देखो, कंसीडर अ बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन। ये देखो, ए प्लस बी गिव्स अस पी प्रोडक्ट, ये हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन पर रेट लॉ अप्लाई करते हैं। रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये सिंपल सा रेट फॉर्मूला हमारा है। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं, कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ये इक्वेशन नंबर हो गई एक। दूसरा, अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अभी जैसा कि हम बात करके आए, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये मानती है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चलो यहां पर बना करके देखते हैं। पहले ए प्लस बी जो कि इक्विलिब्रियम में है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ए बी कॉम्प्लेक्स जिसको मैंने कह दिया, और ये ए बी कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। थोड़ी सी जो हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी डिस्कस की थी उसको यहां पर अप्लाई कर दिया इस बायमोलिकुलर रिएक्शन पर। अब ये इक्विलिब्रियम है तो इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कह देता हूं मैं, केसी। यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसको के कह देता हूं। ये यहां पर रेट कांस्टेंट के है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, तो हम केसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अभी पिछले कुछ लेक्चर्स एसिड बेस केमिस्ट्री पर जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल करके लेकर के आए हैं। क्या कहेंगे? कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, यही कहेंगे हम। जो हमने अभी थ्योरीज पढ़ी थी कुछ एसिड बेस केमिस्ट्री में, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो अब बचपन से निकालते आ रहा है, इसमें कहा जाता है अपलोचन है। ये एक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। अब मैं यदि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अलग करना चाहता हूं तो कर सकता हूं कि नहीं? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू केसी की तरफ भेज दूं कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी को, तो केसी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको भी कुछ नंबरिंग कर देते हैं, नंबर टू लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करता हूं, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में जो रेट ऑफ रिएक्शन है
अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो है ये कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, किसकी किसकी, दो चीजों पर, एक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन और दूसरी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो रेट किस पर डिपेंड कर रही है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हुआ। अब एबी कॉम्प्लेक्स की क्या वैल्यू है वो हमको पता है, यहां पर अभी ये निकाल करके लाए नीचे। एबी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू मैं रख देता हूं यहां पर, रेट इज इक्वल टू केसी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब इसको एक नंबर दे देते हैं हम, मान लो कि इसको नंबर थ्री दे देते हैं, अभी तक हमने वन और टू दे रखा है, इसको थ्री दे दिया मैंने। अब कंपेयर करता हूं कौन कौन सी, नंबर वन और नंबर थ्री को कंपेयर कर रहा हूं, नंबर वन एंड नंबर थ्री को कंपेयर कर रहा हूं। रेट ये भी, रेट ये भी है, इसको लिख देता हूं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर थ्री, के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी तो क्रॉस हो गया, इधर भी है उधर भी है, के जो कि क्या है रेट कांस्टेंट, इस इक्वेशन का रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के सी इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। बात कुछ समझ में आई यहां तक, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कहां से लेकर क्या कैसे डिराइव किया, बहुत आसान सी बात है। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, थर्मोडायनेमिक्स की ये कहती है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्वल टू होता है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल जी डिवाइडेड बाय आरटी, ये अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल जी डिवाइडेड बाय आरटी, जी वही गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। अब ये भी हमको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इसकी वैल्यू मैं यहां पर रखना चाहता हूं, के सी इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस डेल एच, अब ये बाहर है माइनस है ना, डेल एच माइनस टी डेल एस डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, अब इधर से थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ ना इसको, अब उधर कंटिन्यू करने के लिए आप कॉपी करते जाएंगे जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, अदरवाइज पॉज कर दो, रोक करके कॉपी करते जाओ। ठीक है, मैंने इसको अंदर कर देना है माइनस के साइन को, कैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय आर टी प्लस, अब वो माइनस प्लस हो जाएगा टी डेल एस डिवाइडेड बाय आर टी। अब ये टी से ये टी क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा, केसी इज इक्वल टू माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय आर टी प्लस डेल एच डिवाइडेड बाय आर टी, इनको अलग अलग भी कर सकता हूं मैं, केसी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी और एक्सपोनेंशियल की पावर डेल एच अपॉन आर टी, वही बेस सेम है तो पावर्स एड हो जाएगी फिर से। ये केसी का एक और इक्वेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशंस पर ज्यादा न जाए, क्या हमारे पास आने वाला है लास्ट में निकल करके उसको देखो। अब शुरू में अभी जो मैं कह करके आया था दो मिनट पहले आप लोगों को, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का वो वाला फॉर्मूला याद रखना, कौन सा वाला, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू या म्यू इज इक्वल टू क्या था केबीटी डिवाइडेड बाय एच, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था। अब यहां पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला देखो, इसको इक्वेशन नंबर फोर कह देता हूं मैं, इस इक्वेशन नंबर फोर मतलब रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये चीज है हमारे पास, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए ये चीज है हमारे पास, लिख सकता हूं कि नहीं, मैं ये लिख दूंगा, ये देखो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ये, अब इसको आगे लिख देता हूं मैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अच्छा दिखेगा, केबीटी डिवाइडेड बाय एच इनटू ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय आर टी इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर डेल एच डिवाइडेड बाय आर टी, ये आ गया हमारा वो इक्वेशन जिसको हम डिराइव करना चाहते थे। क्या कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर एंथैल्पी और एंट्रोपी पर डिपेंड कर रहा है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो ये कंसीडर हुआ यहां पर
कि जो रेट है या रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली भी कंसीडर होती है। चलो अब ये एक इक्वेशन आई है हमारे पास रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट के हमारे पास दो इक्वेशंस और है, इसको इधर से इरेज कर रहा हूं मैं, कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूं। क्या कंपैरिजन करना चाहता हूं? आर्नियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी और इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं। देखो क्या कंपैरिजन कर, आर्नियस क्या कहता है, आर्नियस, आर्नियस के अकॉर्डिंग आपको मालूम है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, रेट कांस्टेंट। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू जेड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है, ये कोलिजन थ्योरी ने कहा। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने क्या कहा, ये कहा अभी जो आप निकाल करके लाया हो कि के इज इक्वल टू के बी टी डिवाइडेड बाय एच इंटू एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय आर टी इंटू एक्सपोनेंशियल के पावर डेल एस डिवाइडेड बाय आर टी होता है। ये तीन थ्योरी हो गई, तीनों में ये रेट कांस्टेंट है, ये तो मैच कर गया, रेट कांस्टेंट मैच कर गया। अब इधर देखो, इधर इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में डेल एच एंथैल्पी है, एंथैल्पी एनर्जी हमारे पास है, तो डेल एच को अप्रोक्सीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी कह सकता हूं, या एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आ रहा है, तो ये भी माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। अब इसको हटा देता हूं मैं, एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आ रहा है, तो एक टर्म और हमारे पास मैच कर गई, ये टर्म भी हमारे पास मैच कर गए, इधर के मीन्स रेट कांस्टेंट मैच कर रहा है, तो बाकी जो हमारे पास बचा हुआ है वो भी इक्वल हो जाएगा। क्या कि ए इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर डेल एस डिवाइडेड बाय आर टी, ये और इसके मल्टीप्लाइड में ये भी होगा इंटू के बी टी, के बी टी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म जेड के इक्वल और जेड ए के इक्वल है। ये यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है तीनों को रिलेट करके कंपेयर करके ए किसके इक्वल आता है, ये टर्म पूछ सकते हैं, वो ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपसे पूछ सकता है। चलो ठीक है, ये था पूरा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, क्या क्वेश्चन बना सकता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको कंपेयर करके यहां से क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।